नमस्कार, 5 मिनट स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको एक बुद्धू की कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसलिए इस कहानी का टाइटल भी बुद्धू है। बुद्धू के माता पिता बचपन में मर गए थे, गांव वालों ने उसे पाला था। कभी इस घर कभी उस घर, बहुत भूला, बहुत इनोसेंट, कोई चलाकी नहीं उसमें। और बड़ा हुआ, 18 साल का हुआ, एक दुकान पर चाय की काम करने लगा। बर्तन धोने के सिवा और चाय बनाने के सिवा उसे कुछ नहीं आता था, पर मालिक अच्छा और दयालु था। मालिक दुकान पर पहुंचा और बुद्धू से बोला, अरे घनश्याम नहीं आया आज? तो बोले, घनश्याम तो नहीं आया। मालिक ने सर पकड़ लिया। बुद्धू ने पूछा, मालिक सर क्यों पकड़ा? बोला, क्योंकि घनश्याम नहीं आएगा तो वो जादुई चाय पत्ती नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से मेरी दुकान 7 गांवों के अंदर फेमस है और मेरी चाय पीने लोग दूर दूर से आते हैं। तो बुद्धू ने पूछा, आखिर उस चाय पत्ती में ऐसा क्या है? बोला, वो चाय पत्ती जिस गाँव में मिलती है वहां पर 3 खतरनाक रास्ते जाते हैं। एक में नदी है, दूसरी में अंगारे हैं और चौथी के अंदर कांटे लगे हुए हैं। बहुत बहुत कांटे वाली जो है वो रास्ता है और वहां पर केवल वो तैर कर जा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा तैराकी है। और वो अजीब सा रास्ता है, उस रास्ते की तरफ कोई जाता भी नहीं, वो रास्ता श्रापित है। और उस रास्ते से होकर वो एक जादुई अगरबत्ती, जादुई चाय पत्ती लेकर आता है, जिससे हमारे काउंटर पर चाय बनती है। उसने बोला, कोई बात नहीं बुद्धू ने, कि मैं बुलाकर घनश्याम को लेकर आता हूँ। घनश्याम को लेकर आया। घनश्याम ने कहा, मैं 1 लाख रुपए लूंगा अगर मैं वो चाय पत्ती लेकर आऊंगा। तो बोला, चाय पत्ती का 1 लाख रुपए? इतना तो मैं पूरे महीने में अपनी दुकान पर भी नहीं कमाता। बोला, ये तुम्हारी मर्जी है, मेरे सिवा कोई हो तो उसे भेज दो। मालिक सर पकड़ कर बैठ गया और घनश्याम चला गया। बुद्धू ने कहा, मालिक मैं जाकर लेकर आता हूँ। मालिक को बुद्धू के ऊपर पूरा विश्वास नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल बुद्धू इनोसेंट था। उसने कहा, पागल है क्या, मर जाएगा अपनी दुकान चलाने के लिए, तेरे को मार दूं क्या? उस रास्ते पर कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। पर अपने मालिक को ऐसे उदास देखकर और चाय पत्ती को खत्म देखकर और ग्राहकों का टूटता हुआ देखकर बुद्धू को बहुत दुख हुआ, क्योंकि बुद्धू एक ईमानदार आदमी था। उसने बोला, मालिक कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगा। लेकिन मालिक ने उसे डंडे से मारना शुरू कर दिया और कहा, पागल मत बन, जाके अपना काम कर। लेकिन बिना मालिक को बताए बुद्धू उस जादुई रास्ते पर चला गया, जहां पर एक तरफ अंगारे, दूसरी तरफ कांटे और तीसरी तरफ नदी थी। नदी में बिना सोचे समझे उसने नदी को प्रणाम करा, नमस्कार किया, जैसे कि उसने अपनी माँ को बचपन में करता हुआ देखा था, और नदी के अंदर पैर रखा। नदी में जैसे ही पैर रखा, नदी पर एक रास्ता बन गया और उसमें से आवाज आई कि बुद्धू, मैं बहुत खुश हूं तुमसे, क्योंकि तुम अपने मालिक के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हो और ईमानदार हो, और जिस तरह से तुमने मुझे प्रणाम किया, मैं बहुत खुश हो गई हूं और मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया। नदी के ऊपर एक फर्श बन गया और बुद्धू उस पर जाकर चाय पत्ती लेकर मालिक के लिए वापस भी ले आ गया। मालिक ये देखकर हैरान हो गया और मालिक ने बोला, ये जादुई काम किया कैसे तूने? तो उसने बोला, झुक कर, नमस्कार करके, प्रणाम कर सब काम हो जाता है मालिक। अब जब भी आप कहोगे, मैं आपके लिए जादुई चाय पत्ती ले आया करूंगा। काम फिर से चलने लगा और घनश्याम ये देखकर हैरान रह गया कि ये काम बुद्धू ने कर लिया। इस कहानी से हमें बच्चों ये शिक्षा मिलती है, कई बार हमारे माता पिता भी हमें जोश में आके बुद्धू कह देते हैं, टीचर्स कह देते हैं, लेकिन अगर इंसान ठान ले तो वो भले ही बुद्धू क्यों ना हो, वो सब कुछ कर सकता है। और अगर रास्ते मुश्किलों भरे हों तो नमस्कार करके, प्रणाम कर उस रास्ते का भी हल निकाला जा सकता है। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा और कहानी कैसी लगी बताइएगा।